नमस्कार दोस्तों, हम करेक्टिसिटी पॉइंट एंड मोटिवेशन से अजय बोल रहे हैं और आज हम बताएंगे आपको कि जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है इसमें या जो पहले की शिक्षा पद्धति थी उनमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन कुछ जो भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है आपको बताना चाहूँगा। आज जो हमारा टॉपिक है वो है शिक्षक की भूमिका और जो गुरु हुआ करते थे, मतलब गुरु और शिक्षक की भूमिका में अंतर। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि गुरु और शिक्षक की भूमिका में अंतर क्या है। पहले गुरुजी लोग होते थे, आज तो टीचर हैं, सर हैं, है ना। आप लोग भी सर ही कहते होंगे, सर जी, और सर जी कहते होंगे तो टीचर बड़े खुश होते होंगे, उनको लगता होगा कि अब जैसे पहले अंग्रेज थे ना तो वो सर की उपाधि किसी को देते थे। अच्छा, सर भी कहते हैं, उसके बाद जी भी कहते हैं, सर जी। सर का मतलब ही होता है श्रीमान जी, लेकिन लोग सर कहने के साथ साथ जी भी यूज़ करते हैं। मैं भी यूज़ करता हूँ क्योंकि लोगों को पसंद है तो यूज़ करना पड़ता है और यूज़ करना भी चाहिए। भाई जो आपको पसंद आएगा हम वही कहेंगे आपको, क्योंकि हमको आपको नाराज़ नहीं करना है ना। तो चलिए देखते हैं कि गुरु और शिक्षक की भूमिका में अंतर क्या है। देखो, गुरु की धारणा मौलिक रूप से भारतीय है। गुरु शब्द दुनिया की किसी भाषा में नहीं है, मतलब किसी भी दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में आप चले जाओगे तो वहां पे आपको गुरु शब्द मिलने वाला नहीं है। शिक्षक, टीचर, अध्यापक, मास्टर, ये शब्द हैं, लेकिन गुरु जैसा कोई भी शब्द नहीं है। गुरु के साथ हमारे अभिप्राय ही भिन्न है। शिक्षक से हमारा संबंध व्यवसायिक है, एक व्यवसाय का संबंध है। गुरु से हमारा संबंध व्यवसायिक नहीं है, मतलब अगर आप टीचर कह रहे हो, सर कह रहे हो, तो मतलब वो एक प्रोफेशनल है, एक व्यवसायिक संबंध हो गया। लेकिन अगर गुरु कह रहे हो किसी को, तो मतलब जैसे देखो शब्द ही है, कितना बढ़िया शब्द है गुरु, मतलब कि ऐसा लगता है कि जैसे रूह का मिलन हो गया हो, मीन्स आत्माओं का मिलन हो गया हो, एक गुरु और शिष्य की आत्मा का मिलन हो गया, है ना। तो ये गुरु से हमारा संबंध व्यवसायिक नहीं होता है। आप किसी के पास कुछ सीखने जाते हैं, ठीक है, लेन देन की बात है, आप उससे कुछ लेकर शुल्क उसे भेंट कर देते हैं, बात समाप्त हो जाती है, यह व्यवसाय है। इसी तरह एक शिक्षक से आप कुछ सीखते हैं, सीखने के बदले में उसे कुछ दे देते हैं, बात समाप्त हो जाती है। गुरु से जो हम सीखते हैं उसके बदले में कुछ भी नहीं दिया जा सकता है, कोई उपाय देने का नहीं। अधिकतर गुरु तन, मन, धन सब मांगते हैं, लेकिन ऐसों को गुरु नहीं बल्कि गोरु कहा जाता है। गोरु तो समझते होंगे ना, गोरु मतलब पशु, तो उनको गोरु कह सकते हैं लेकिन गुरु नहीं कह सकते। वास्तविक गुरु जो देता है उसका कोई मूल्य नहीं होता है, जो गुरु देता है उसे चुकाने का कोई उपाय ही नहीं है, उसे वापस करने का भी कोई उपाय नहीं है। सद्गुरु के प्रति अपने धर्म कर्म का निर्वाह आप उससे मिले ज्ञान अनुभव को जीकर ही कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो सद्गुरु को जीकर। शिक्षक क्या देता है? शिक्षक देता है सूचनाएं, जानकारियां। गुरु देता है आत्मज्ञान, प्रेम, स्वतंत्रता, मोक्ष का मार्ग, आत्मबोध। शिक्षक जो जानकारी देता है, जरूरी नहीं कि वह जानकारी उसका उसके अनुभव से आए, आवश्यक नहीं। जो शिक्षक आपको नीति शास्त्र पढ़ाता है और बताता है कि शुभ क्या है, अशुभ क्या है, नीति क्या है, अनीति क्या है, जरूरी नहीं कि वह शुभ का आचरण करता हो। आप देखते होंगे वर्तमान समाज में, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, वह सिर्फ शिक्षक है, वह सूचना देता है, सूचित करता है। और गुरु जो कहता है, जो दिखाता है, जो देता है, वह सूचना नहीं है, वह उसके जीवन का आविर्भाव है। आप शिव, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर, रैदास, मीरा, राधा, जैसो को ही गुरु कह सकते हैं। आज ऐसे गुरु नहीं है, ऐसा नहीं है। वास्तविक गुरु भीड़ नहीं जुटाता है, वह उसी को मिलता है जो पात्रता रखता है, वह भी उसे खोजता है जो यकीनन उसे खोजता है। गुरु का अर्थ यह है कि वे जो कह रहे हैं उसे उन्होंने जिया है, कहीं से पढ़ सुन या रटे नहीं है। जानने वाले तो बहुत गुरु हैं, गली गली में, नगर महानगर में, गांव गांव में, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और आज तो आश्रम, मठ वगैरह की दुनिया जिनसे भरी पड़ी हुई है। वे शिक्षक हैं, गुरु नहीं।
जो कुछ जाना गया है वह उन्होंने संग्रहित किया है, वे आपको दे रहे हैं, वे केवल माध्यम हैं, उनके पास अपना कोई स्रोत नहीं है। वे उधार के हैं, वे जो भी दे रहे हैं ना उन्होंने कहीं से पाया है, उन्हें किसी और ने दिया है, वे बीच के सेतु हैं जिनसे जानकारियां एकत्र करती हैं। एक पीढ़ी मरती है तो जो भी वह पीढ़ी जानती है दूसरी पीढ़ी को दे जाती है। इस देने के काम में शिक्षक बीच का काम करता है, बीच का काम करता है बिचौलिया यानी दलाल मात्र है। अब आप ये मत कहना कि आप शिक्षक को दलाल कह रहे हैं, देखिए, लेकिन बिचौलिया जरूर कह सकते हैं, क्योंकि पहली बात तो उसने बस वही है कि रटा रटाया सब है, अपना कुछ भी नहीं है उसका। अगर बीच में शिक्षक ना हो तो पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को सिखा नहीं सकती कि उसने क्या जाना। पुरानी पीढ़ी ने जो जाना है, जो भी अर्जित किया है, वह शिक्षक नई पीढ़ी को सौंपने का काम करते हैं। गुरु जो पुरानी पीढ़ी ने जाना है उसको सौंपने का काम नहीं करता है, जो स्वयं उसने अनुभव किया है वह देता है, और यह जो स्वयं अनुभव किया है इसे सौंपने का सूचना देने की तरह कोई उपाय नहीं। इसे तो जीवन की विधि के रूप में रूपांतरित किया जा सकता है या उसके रूपांतरण से ही दिया जा सकता है। एक शिक्षक के पास से हम दुनियावी ज्ञान होकर लौटते हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हो जाते हैं, ज्यादा जानकार होकर लौटते हैं, लेकिन एक गुरु के पास पहुंचने के बाद हम आत्मज्ञानी होकर लौटते हैं। और ज्ञानी और आत्मज्ञानी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ज्ञानी मतलब आपको बाहरी वातावरण के बारे में जानकारी हो गई, लेकिन आत्मज्ञानी का मतलब आपको अपने आंतरिक वातावरण के बारे में जानना चाहिए। और सबसे बड़ी जो शिक्षा है, जो ज्ञान है, वही है। गुरु के पास जाना कठिन मामला है, लेकिन अगर हम गुरु के पास गए हों तो जो जाता है वह फिर कभी वापस नहीं लौटता, और लौटता भी है तो दूसरा आदमी बनकर वापस लौटता है, अगर सच में गुरु के गुरुत्व को धारण किया है तो। और शिक्षक के पास जब हम जाते हैं, और जाना बहुत आसान भी होता है, तो हम वही लौटते हैं जैसे हम गए थे, थोड़े से और समृद्ध होकर लौटते हैं, थोड़ा सा और ज्यादा जानकार होकर लौटते हैं, लेकिन दुनियावी जानकारी मतलब दुनिया की ही जानकारी, हम जो थे उसी में शिक्षक जोड़ देता है, मतलब एडिशन कर देता है, हम जो थे उसी में थोड़ा सा रंग लगा देता है, रूप बढ़ा देता है, वस्त्र उड़ा देता है, हम जो थे उसमें। शिक्षक के द्वारा जो हम निर्मित होते हैं दोनों के बीच में कोई डिसकंटिन्यूटी, कोई गैप, कोई खाली जगह नहीं होती है। गुरु के पास जब हम जाते हैं जो हम थे, हम जो भी थे वह और आदमी था, और जब हम लौटते हैं तो वह और होता है। गुरु हमें जोड़ता नहीं, हमें मिटाता है और नया निर्माण करता है हमारा। गुरु हमको ही संवारता नहीं, हमें मारता है और जिलाता है। गुरु के पास जाने के बाद हमारे अतीत में और हमारे भविष्य में एक गैप, एक अंतराल हो जाता है, और गुरु के पास से जब लौट के आप देखेंगे तो अपनी कहानी ऐसी लगेगी जैसे वो किसी और की। अगर शिक्षक के पास गए तो अपनी कहानी अपनी ही कहानी लगेगी। बीच में कोई खाली जगह नहीं है जहां चीजें टूट गई हो, जहां आपका पुराना रूप बिखर गया और जहां नए का जन्म हुआ हो। इसलिए हमने इस मुल्क में एक शब्द खोजा था, वह द्विज। द्विज का अर्थ है ट्वेड्स बार, अर्थात दोबारा जन्म। एक जन्म तो मां बाप देते हैं, वह शरीर का जन्म है। एक जन्म गुरु के निकट घटित होता है, वह आत्मा का जन्म है। जब वह जन्म घटित होता है तो आदमी द्विज होता है,
मतलब उसका दोबारा जन्म हो गया। उसके पहले आदमी एक जन्मा था, उसके बाद दोहरा जन्म होता है, यानी ट्वाइस बॉर्न हो जाता है। तो इस तरह से आज मैंने आपको गुरु और शिक्षक में एक डिफरेंस बताया। डिफरेंस कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और फिर मिलेंगे हम आपसे कुछ नई चीज़ों के साथ, नए डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, वेलकम आपका, और दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।